हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सर्जरी से जुड़े एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ, जो है इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट, जिसे हम लोग कई नामों से जानते हैं, डाइथर्मी मशीन, कॉटरी मशीन, इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट, इलेक्ट्रोकॉटरी। तो मैं आज उस टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं क्या क्या बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, टाइप कितने होते हैं, इसमें कौन कौन सी सेफ्टी हम लोगों को रखनी है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्या प्रिकॉशन रखनी है हम लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी इसका खोज किसने किया था। तो कार्ल फ्रांस नेगल स्मिट नामक साइंटिस्ट ने 1909 में इसका खोज किया था। ये वर्क करता है अल्टरनेटिंग करंट का यूज करके, यानी हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिकल करंट का इसमें यूज होता है, जिससे टिश्यू का डीप हीटिंग होगा और फिर उसे हम लोग आसान सर्जन जो होते हैं बहुत ही आसानी से कट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें ये इसके कंपोनेंट्स हैं, जिसमें जनरेटर यानी ESU यूनिट, इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट, और दूसरा होता है इनेक्टिव डिस्पर्सिव इलेक्ट्रोड यानी ग्राउंडिंग पैड, और फिर तीसरा होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड, जिसे कॉटरी पेंसिल भी बोलते हैं, बोवी पेंसिल भी बोलते हैं। तो इसमें तीन कंपोनेंट्स हैं, एक है इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट, और दूसरा है ग्राउंडिंग पैड, और तीसरा है बोवी पेंसिल। अब हम लोग इसके टाइप के बारे में जानेंगे। तो ये दो टाइप का होता है, मोनोपोलर एंड बाईपोलर। मोनोपोलर में क्या होता है कि कट और कोगुलेट दोनों होता है। कट जो है, चलिए आप लोगों को मैं इसके बारे में डिटेल से बताती हूँ। तो मोनोपोलर क्या है कि इसमें एक सर्किट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, पहले क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट है यानी जो मशीन है कॉटरी मशीन, वहाँ से एक्टिव इलेक्ट्रोड यानी कि कॉटरी पेंसिल के पास करंट आएगा पहले, ठीक है। करंट फ्लो हुआ एक जगह से दूसरी जगह, अब दूसरे से तीसरे जगह यानी एक सर्किट फॉर्म होना है, तो पहले मशीन से पेशेंट के बॉडी पे आया, ठीक है। और फिर क्या होता है, तीसरा साइड कौन सा है कि ये फिर क्या होता है कि पेशेंट के पैर में ही, पेशेंट के बॉडी में ही एक पैड लगाया हुआ रहता है, जिसे ग्राउंडिंग पैड बोलते हैं, ठीक है। तो फिर वहाँ से वो जो कॉटरी पेंसिल है, वहाँ से पेशेंट के बॉडी में आता है, फिर पेशेंट के बॉडी से उस पैड के थ्रू रिटर्न हो जाता है। यानी एंटर कहाँ से किया, तो मशीन से कॉटरी पेंसिल के थ्रू पेशेंट के बॉडी में आया, फिर बॉडी से होते हुए ग्राउंडिंग पैड में आया पैर में, फिर वहाँ से रिटर्न हो जाता है। तो इस तरह से एक सर्किट फॉर्म होता है मशीन से लेकर पेशेंट के बॉडी तक, ठीक है, जिसमें कि पेशेंट भी इंक्लूड होता है। मशीन, ग्राउंडिंग पैड यानी कि ESU यूनिट, उसी को बोला है। देखिए यहाँ पे तीन कंपोनेंट हैं, पहला जनरेटर है, दूसरा है ग्राउंडिंग पैड जो कि पेशेंट के पैर में लगा हुआ होता है, और तीसरा है एक्टिव इलेक्ट्रोड, जिसे कि कॉटरी पेंसिल या फिर बोवी पेंसिल भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए इसमें एक पतला सा पेंसिल लाइक एक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, पेंसिल है फोटो में, और ये जो सीट है उसे हम लोग ग्राउंडिंग पैड कहते हैं, और ये जनरेटर है, मशीन है, ठीक है। इसमें येलो और एक ब्लू बटन दिख रहा है, येलो से कट होता है और ब्लू से कोगुलेट होता है। अब क्या है इसमें, देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ जनरेटर है, ठीक है, यानी कॉटरी मशीन हो गया। वहाँ से ये जो एक्टिव इलेक्ट्रोड यानी कॉटरी पेंसिल है, वह उस कॉटरी पेंसिल तक आया करंट, यानी हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक करंट का यूज होता है इसमें, तो ये करंट यहाँ आया, फिर पेशेंट के बॉडी से होते हुए ये जो ग्राउंडिंग पैड है यानी कॉटरी पैड है यहाँ पे आता है और फिर रिटर्न हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से एक पूरा सर्किट फॉर्म होता है जिसमें पेशेंट भी इंक्लूड होता है, ठीक है। मोनोपोलर के दो मोड होते हैं, जिसमें पहला है कट और दूसरा है कोगुलेट। यानी येलो जो उसमें एक दिखा था, देखिए इसमें येलो, ये जो कॉटरी पेंसिल है देखिए, इसमें येलो है और उसके पीछे ब्लू बटन है, तो येलो से हम लोग कट करते हैं और ब्लू से कोगुलेट करते हैं, ठीक है। अब क्या है कि कट, यानी कट में भी क्या होगा, कैसे कट होता है, कुछ तो उसका वेव जनरेट होंगे या फिर कुछ तो इसमें होता होगा ना। तो इसमें क्या होता है कि ESU जनरेटर आर, देखिए क्या है, इलेक्ट्रोसर्जिकल जनरेटर्स आर एबल टू प्रोड्यूस अ वेराइटी ऑफ इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म्स। यानी इसमें क्या होते हैं कि वेव फॉर्म्स, अलग अलग तरह के वेराइटी ऑफ इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म्स, अलग अलग वेव जनरेट होंगे, ठीक है, वेव प्रोड्यूस होंगे, जो कि कॉन्स्टेंटली यानी रेगुलर वे में,
रेगुलरली यहाँ पे कांस्टेंट वेवफॉर्म प्रोड्यूस होते हैं, जिससे कि सर्जन बहुत ही आसानी से कट कर लेता है। ठीक है, यानी कि वेवफॉर्म कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट कोई भी काम हम लोग कांस्टेंट करते हैं, यानी कंटिन्यू रेगुलर करेंगे, डेली डेली करेंगे, तो हम लोगों को भी तो उस चीज़ में सफलता मिलेगी। तो वैसे ही है कि ये जो वेव जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है, वो कंटिन्यूसली यानी रेगुलर वे में प्रोड्यूस होगा। कॉन्स्टेंटली वेव फॉर्म प्रोड्यूस हुआ तो ये बहुत ही आसानी से जो कॉटरी पेंसिल है उसको हीट कर देता है। जब हीट हो जाएगा तो बहुत ही आसानी से कट हो जाएगा। ठीक है, तो सर्जन्स इसी वे का यूज करते हैं। ठीक है, अब दूसरा है कोगुलेशन। तो इसमें क्या होता है कि इंटरमीटेंट वेव फॉर्म का यूज होता है, यानी इरेगुलर वेव फॉर्म। यहाँ पे कंटिन्यूसली वेव जनरेट नहीं हो रहा है, तो क्या होगा कि इसमें बहुत ही कम हीट प्रोड्यूस होगा। उसमें क्या था कट में कि कंटिन्यूसली उसमें कांस्टेंट वेव फॉर्म प्रोड्यूस हो रहा था, जिसके चलते कॉटरी पेंसिल जो है वो बहुत ही जल्दी हीट हो जा रहा था और फिर आसानी से वहाँ पर कट हो जा रहा था। ठीक है, और क्या है कि इसमें बहुत ही कम हीट प्रोड्यूस होता है कोगुलेट में, तो ये क्या करता है कि कोगुलेट कर जाएगा, मतलब ये ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए यूज किया जाता है। यानी एक कोगुलम, जहाँ भी हम लोग कोगुलेट करते हैं वहाँ पे एक थक्का जैसा ऐसे बन जाता है, यानी कि वो कोगुलेट हो जाता है, कोगुलम प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, अब इसके एडवांटेज क्या हैं, यानी लाभ क्या हैं, तो ये बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। और मोनोपोलर में क्या होता है कि आसानी से यूज़ तो किए, साथ में दोनों इसके पास प्रॉपर्टी है, कट और कोगुलेट का। कट में कांस्टेंट वेव फॉर्म का यूज करते हैं और कोगुलेट में क्या होता है कि इंटरमीटेंट यानी इरेगुलर वेव फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके अब डिसएडवांटेज के बारे में जानते हैं, यानी इसकी हानि कौन सी है। ठीक है, इसमें क्या हम लोग को, मतलब इसका डिसएडवांटेज है ये जानेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ही टिश्यू इंजरी होती है, यानी जहाँ पे इसको यूज किया जा रहा है, जिस साइड पे टिश्यू को कट करने के लिए, वहाँ पे उस टिश्यू के अलावा भी आसपास के टिश्यू क्या होते हैं कि बर्न हो जाते हैं, इंजरी हो जाती है। ठीक है, और क्या होता है आगे कि अगर कोई बॉडी में पेसमेकर इम्प्लांट हुआ है, पेसमेकर है हमारे हार्ट में, तो क्या होता है कि ये उससे शॉक लग सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकते हैं पेशेंट को, तो इसका बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है। फिर डिस्टेंट रिटर्न इलेक्ट्रोड इसमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यानी ग्राउंडिंग पैड की ज़रूरत पड़ती है। और फिर है कि अगर वाटर प्रेजेंट हुआ, जिस साइड पे हम मोनोपोलर का यूज कर रहे हैं, तो उस साइड पे अगर वाटर प्रेजेंट होता है तो ये काम नहीं करता है। ठीक है, और फिर क्या होता है कि हम लोग को बहुत ही केयरफुली इसमें करना पड़ता है, बहुत ही ध्यान देना चाहिए इसमें, क्योंकि पेशेंट के बॉडी से, पूरे बॉडी में करंट फ्लो कर रहा है ना, मशीन से पेशेंट के बॉडी में आया, पेशेंट के बॉडी से फिर रिटर्न होता है ग्राउंडिंग पैड के थ्रू, जो उसके पैर में एक सीट जैसा लगाया हुआ है उससे। अब दूसरा है इसमें, पहला टाइप है मोनोपोलर, जिसमें कट और कोगुलेट होता है, कट येलो से और कोगुलेट ब्लू से। अब हम बाइपोलर के बारे में जानेंगे। तो बाइपोलर में क्या होता है कि दो ठो प्रॉब होते हैं, यानी हम लोगों ने देखा होगा फोरसेप, टूथ और नॉन टूथ, दो फोरसेप के बारे में हम लोग देखे होंगे। ठीक है, तो ये जो फोरसेप हैं उसी की तरह ये भी होता है, बाइपोलर भी होता है, दो ठो इसमें इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, दो प्रॉब होते हैं जिसमें एक इलेक्ट्रोड क्या होता है, एक्टिव इलेक्ट्रोड, और एक होता है रिटर्न इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग जहाँ पे, जिस टिश्यू पे वर्क कर रहे हैं, बस वहीं पे वो अपना इफेक्ट दिखाता है, आसपास के टिश्यू को कोई हार्म नहीं पहुँचाएगा। तो इसका एडवांटेज क्या है, इसका लाभ क्या है कि ये बहुत ही कम टिश्यू इंजरी करता है, यानी कि जिस साइड पे हम लोग यूज कर रहे हैं बस वहीं पे वर्क करेगा, जिस टिश्यू पे कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें बहुत ही कम बर्न इंजरी होती है, लेस रिस्क ऑफ बर्न इंजरी। फिर है कि इसमें अगर पेसमेकर भी है तो उससे कुछ, मतलब ये इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि ये तो दोनों इलेक्ट्रोड अपने ही में सारा रोल कर रहे हैं, एक है एक्टिव इलेक्ट्रोड और एक है रिटर्न इलेक्ट्रोड, यानी उसी इलेक्ट्रोड में सब हो रहा है, आ रहा है जा रहा है, इसमें पेशेंट का बॉडी इंक्लूड नहीं है, पेशेंट इसमें कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है, पेशेंट का कोई रोल नहीं है इसमें, यानी कि पेशेंट इसमें सेफ है। अब क्या होता है कि ये वेट फील्ड, यानी जहाँ वाटर प्रोड्यूस होगा, जहाँ पे गीला होगा, वहाँ पे ये काम करेगा। ठीक है, अब क्या है कि डिसएडवांटेज क्या है, यानी इसकी हानि क्या है। हर चीज़ की कुछ ना कुछ खूबियाँ और कुछ ना कुछ खराबियाँ होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्किल रिक्वायर्ड होता है, यानी कि जो सर्जन काम कर रहे हैं वो अच्छे स्किल वाले होने चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए, उनको आना चाहिए कैसे करना है।
फिर है कि कोगुलेशन, यानी इसमें बस हम लोग कोगुलेट कर सकते हैं, कट नहीं कर सकते, यानी हम लोग बस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए ही इसमें यूज करेंगे हीमोस्टेट के लिए। कांट कोगुलेट ए लार्ज टिश्यू, ओनली स्मॉल पार्ट कैन कोगुलेट, यानी अगर बहुत सारा सोच रहे हैं कि एकदम एक ही बार टिश्यू को, बहुत सारे टिश्यूज को एक ही बार कोगुलेट कर दें, तो नहीं, इसमें बस कम पार्ट को ही, ये स्मॉल पार्ट को ही ये कोगुलेट कर पाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट के ग्राउंडिंग पैड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो पैड होता है बहुत ही अलग अलग साइज में आते हैं, बच्चों के लिए अलग, एडल्ट के लिए अलग। ठीक है, तो ये अवेलेबल रहता है सभी साइज में। इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग उस ग्राउंडिंग पैड का यूज कर रहे हैं तो इसमें हम लोग को कोई छिड़खानी नहीं करनी होती है। अगर उसको सोच रहे हैं कि बच्चा है तो उसमें फिट करना है तो काट दें, तो वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा, वो तो उसका उसका प्रॉपर्टी ही गया। तो इसीलिए उसमें कोई भी छिड़खानी नहीं करनी रहती है, जैसा वो है वैसा ही उसे यूज करो। ठीक है, फिर है कि सबसे अच्छा साइड कौन सा है ग्राउंडिंग पैड लगाने के लिए, यानी जो कॉटरी पैड है जिसे हम लोग पेशेंट के पैर में ज़्यादातर लगाते हैं, तो उसका बेस्ट साइड कौन सा है। हर चीज़ का कुछ ना कुछ बेस्ट होता है, हम सब में भी कुछ ना कुछ बेस्ट होगा, कुछ खराबियाँ होंगी, तो इसमें क्या है बेस्ट कौन सा है। तो इसमें क्या होता है कि ग्राउंडिंग पैड को हम लोग वहाँ लगाते हैं जहाँ पे ब्लड वेजल्स ज़्यादा हों, मसल्स ज़्यादा हों, तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा। फिर होता है कि हम लोगों को ग्राउंडिंग पैड को वैसे जगह पे नहीं लगाना चाहिए जहाँ पे जैसे बोनी स्ट्रक्चर हो गया, यानी नी पे लगा दिए, जो हम लोग का घुटना है, जो हम लोग का कहनी है यानी एल्बो है, तो यहाँ पे लगा दिए तो फिर क्या होगा कि वो अच्छे से काम ही नहीं करेगा, हम लोग को शॉक लग सकता है, इलेक्ट्रिक करंट लग सकता है, शॉक लग सकते हैं। जहाँ पे बहुत ज़्यादा बाल है वहाँ भी नहीं लगाना चाहिए, वो उसमें चिपकेगा ही नहीं तो काम ही नहीं अच्छा करेगा, वो एक जो बाल है वही एक लेयर फॉर्म कर दिया, बैरियर का काम कर रहा है। फिर होता है स्कार टिश्यू, जहाँ पे वाउंड हो गया, घाव हो गया है, कोई वैसे एक्नी वगैरह हो गया, कोई पहले का इंजरी है, वहाँ लगाएंगे तो वहाँ ब्लड वेजल्स ही बढ़िया काम नहीं करेगा, वो सारे तो डेड वहाँ रहता है, अच्छे से काम नहीं करता है, तो वहाँ पर भी लगाए तो अच्छा नहीं है। फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा फैट डिपॉजिट है, यानी बहुत ज़्यादा फैट है, फैटी वहाँ पे पार्ट है, तो वहाँ भी नहीं लगाना चाहिए। अब स्टोमिक में हम लोग लगाने के लिए सोच रहे हैं, वहाँ इतना ज़्यादा फैट है, वहाँ लगाएं तो वो काम ही नहीं करेगा, तो वैसे जगह पे लगाना है जहाँ पे बढ़िया ज़्यादा ब्लड वेजल्स हों और वेल वस्कुलराइज्ड हो। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग उसका अच्छा साइड कौन सा है, थाई है, लेग है। ठीक है, अब हम लोग को कौन कौन सी सेफ्टी ध्यान में रखनी चाहिए। पहला है कि मशीन को पूरी अच्छी तरह से देख लेंगे, कहीं उसका तार कहीं कटा छटा तो नहीं है। फिर है कि दूसरा हम लोग क्या देखेंगे कि जो पेशेंट है, पेशेंट से ही तो मोनोपोलर में क्या होता है, पेशेंट भी इंक्लूड होता है सर्किट में, पेशेंट से करंट जाता है, तो अगर वो दूसरे मेटल में टच में हुआ तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकते हैं, वो डेंजर में आ सकता है। इसीलिए हम लोग को बहुत ही प्रॉपर वे में ध्यान देकर करना पड़ता है। हम लोग क्या करते हैं, सीट बिछा देते हैं ओटी टेबल के ऊपर, तो इससे वो सेफ रहता है, कम हो जाता है रिस्क। फिर तीसरा पॉइंट कौन सा है कि जब भी हम लोग रिपोजिशनिंग करें, यानी पेशेंट का पोजीशन चेंज करते हैं, तो क्या करते हैं कि उसका ग्राउंडिंग पैड एक बार चेक कर लेते हैं, जो पैर में उसका कॉटरी पैड लगा रहता है उसको चेक कर लेते हैं, ताकि वो हटे ना, अगर हट गया तो फिर अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। इसमें तीन चीज़ का ध्यान रखना है, पहला कि मशीन को चेक करना है उसका वायर कहीं टूटा तो नहीं है, फिर दूसरा कि पेशेंट को हम लोग देख लेंगे कि वही कहीं वो कहीं ऐसे मेटल वाले पार्ट से टच में नहीं है ना, और फिर क्या करते हैं कि तीसरा अगर रिपोजिशनिंग करते हैं उसमें ध्यान देंगे ग्राउंडिंग पैड ठीक से लगा है या नहीं। फिर है कि इसमें कुछ स्पेशल कंसिडरेशन है पेशेंट के लिए, यानी पेशेंट का हम लोग क्या क्या पेशेंट में ध्यान देंगे कि उसके पास उसमें कोई पेसमेकर तो नहीं इम्प्लांट किया गया है, या फिर उसके कॉकलियर इम्प्लांट, यानी कॉकलिया क्या है, हमारे ईयर का पार्ट है, तो वो उसका इम्प्लांटेशन तो नहीं हुआ है, या फिर कोई ऑर्नामेंट्स तो नहीं पहना है पेशेंट, कान में, नाक में, गले में, हाथ पैर में कुछ वो पहना तो नहीं है मेटल का, जिससे उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। इसीलिए पहले ही सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए ये सब रिमूव करवा दिया जाता है, ज्वेलरी वगैरह।
ठीक है। ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स यानी कि जॉइंट वगैरह, हड्डी, ये सब जो है, मतलब क्या होता है कि जैसे हिप का ही, हिप में कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो हिप का रिप्लेसमेंट कुछ स्क्रू वगैरह लगा देते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है जॉइंट्स में तो उसमें स्क्रू या फिर कोई दूसरा रिप्लेसमेंट करते हैं, तो वो सब मेटल का होता है तो उससे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकते हैं। इसीलिए ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स के बारे में पहले ही पूछ लेते हैं पेशेंट से, ज्वेलरी वगैरह के लिए बता देते हैं नहीं पहनना है, कॉकलियर इम्प्लांट हो, कोई भी इम्प्लांट हो तो उसमें हम लोग पेशेंट से पहले ही उसका राय सलाह ले लेते हैं, पता कर लेते हैं वो ऐसा कुछ उसके साथ कंडीशन तो नहीं है, फिर हम लोग उसी के हिसाब से हम लोग अपना काम करते हैं। फिर है कॉम्प्लिकेशंस क्या है, हर चीज़ के कॉम्प्लिकेशन होते हैं, अब इसका भी कॉम्प्लिकेशन है तो इसमें क्या हो सकता है कि एक्टिव इलेक्ट्रोड ट्रामा यानी कॉटरी पेंसिल से कुछ ना कुछ कभी कभी ट्रामा हो जाता है, यानी हम लोग को चोट ये हो जाता है, वहाँ पे इंजरी हो सकता है। तो क्या होता है कि एक एग्जांपल देते हैं, सर्जन जब भी कभी कभी क्या होता है कि सर्जन जो ग्लव्स पहनते हैं उसमें होल हो जाता है, ठीक है, और वो हमारा क्या होता है कि उस होल के थ्रू कभी कभी क्वार्टरी पेंसिल अगर टच में आ जाता है हमारे यहाँ, मतलब ग्लव्स पहने हैं लेकिन फिर भी उसमें कोइंसिडेंस अगर होल हो और ध्यान नहीं दिए तो हम लोग को बहुत ही इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, पैर हाथ में इंजरी हो सकती है, वहाँ होल सा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, मतलब इंजरी हो जाती है, ठीक है। दूसरा है करंट डाइवर्जन, तीसरा है अल्टरनेट ग्राउंड साइड बर्न्स यानी जहाँ पे हम लोग ग्राउंडिंग पैड लगाए हैं वहाँ पर भी बर्न हो जाता है, यानी वहाँ पर दाग हो जाता है, कभी कभी ब्लैकनिंग हो जाती है, वहाँ काला सा हो जाता है, ठीक है। स्मोक इन्हेलेशन यानी कि जब हम लोग कॉटरी पेंसिल का यूज करते हैं, इस मशीन का यूज करते हैं कॉटरी पेंसिल का, तो वहाँ पे एक स्मोक निकलता है, धुआं सा निकलता है जिसका कि स्मेल बहुत, मतलब शुरू शुरू में जो जाए ऑपरेशन थिएटर में तो उसके लिए वो एकदम मतलब रहना मुश्किल हो जाता है वहाँ पे, यानी वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा आसानी से, उसको जिसको आदत हो गया धीरे धीरे वो वहाँ पे आसानी से काम कर लेते हैं, लेकिन शुरुआत में थोड़ा दिक्कतें होती हैं, मतलब उसका स्मेल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब होता है, वॉमिटिंग जैसा लगेगा, थोड़ा चक्कर भी किसी किसी को आ जाता है, तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने बता दिया इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट के बारे में, अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इसके साइंटिस्ट के नाम हो गए कार्ल फ्रांस नेगलस्मिथ, कब किया था तो वो है 1909 में। ये इसमें क्या होता है कि हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक करेंट का यूज होता है, एसी करेंट का यूज होता है, दो होता है मोनोपोलर और बाईपोलर, मोनोपोलर में दोनों होते हैं कट और कोगुलेट, कट होता है येलो से और कोगुलेट होता है ब्लू से। फिर है कि ये इसमें क्या होता है कि मोनोपोलर में पूरा सर्किट इंक्लूड बनता है, मतलब पूरा सर्किट बन जाता है जिसमें पेशेंट भी इंक्लूड होता है। फिर बाईपोलर में क्या होता है कि इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं यानी फोर्सेप की तरह होता है, पेन लाइक स्ट्रक्चर है, पेन लाइक डिवाइस है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि मतलब इसमें ये फोर्सेप की तरह होगा, दो टो इलेक्ट्रोड होगा, एक एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा और एक रिटर्न इलेक्ट्रोड होगा, यानी पूरे सर्किट का काम ये दो इलेक्ट्रोड ही कर रहा है, एक से आएगा एक से जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया टाइथर्मी मशीन जो है, जो कॉटरी मशीन, उसका बहुत ही एडवांटेज है आजकल के टाइम में, बहुत ही एडवांस टेक्निक है ये, और बहुत ही ये फास्ट, मतलब बहुत ही फास्ट, इजी, एक्यूरेट हीमोस्टेटिस करता है, ठीक है, मतलब ब्लीडिंग को रोकने के लिए बहुत अच्छा है, टिश्यू को कट करने के लिए बहुत ही अच्छा है, फास्ट टेक्निक है, इजी है, ठीक है। तो थैंक यू टू ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड